देयर इज ए डेस फॉर ए ब्रिटल मटेरियल. ऑप्शन है नो इलास्टिक जोन, बी नो प्लास्टिक जोन, सी लार्ज इलास्टिक जोन एंड डी लार्ज प्लास्टिक जोन. जेई एमसीक्यू है जो कि एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है. पूछा जा रहा है कि देयर इज डेस फॉर ए ब्रिटल मटेरियल, यानी कि इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? तो ब्रिटल मटेरियल उसे कहते हैं जिसमें जो है लिटिल अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है और उसमें प्लास्टिसिटी होता ही नहीं है. उस मटेरियल को कहते हैं ब्रिटल मटेरियल. प्लास्टिसिटी क्या होता है कि प्लास्टिसिटी हमें डक्टाइल मटेरियल में देखने को मिलता है, उसमें इलास्टिसिटी भी होता है प्लास्टिसिटी भी होता है, तो वह होता है डक्टाइल मटेरियल. यहां पूछा जा रहा है कि ब्रिटल मटेरियल क्या है, ठीक है. सो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ब्रिटल मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें ओनली फॉर इलास्टिक जोन होता है और वो भी लिटिल अमाउंट में इलास्टिसिटी होता है, उसमें प्लास्टिसिटी होता ही नहीं. इलास्टिसिटी उससे कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है तो उसमें अगर हम उस मटेरियल में फोर्स हटा देते हैं, उस मटेरियल में से फोर्स हटा देते हैं तो वह अपने शेप एंड साइज को पुनः रिगेन कर लेता है, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी. और प्लास्टिसिटी में अगर हम फोर्स हटा देते हैं तो वह मटेरियल अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, तो उसे हम कहेंगे प्लास्टिसिटी. सो इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल द मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि इलास्टिसिटी होता है लेकिन प्लास्टिसिटी नहीं होता है. द मटेरियल विच गिव्स और विच हैव, कुछ भी लिख सकते हैं, विच गिव्स लिटिल अमाउंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, विच गिव्स लिटिल अमाउंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड विच डू नॉट हैव प्लास्टिसिटी या विच डू नॉट गिव्स प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड विच डू नॉट गिव प्लास्टिसिटी बिफोर फ्रैक्चर उसे हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल. और जो प्लास्टिसिटी होता है वह है डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल विच हैव बोथ प्रॉपर्टी ऑफ विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ठीक है. ये हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल, कि जिस मटेरियल के पास प्लास्टिसिटी भी होता है इलास्टिसिटी भी होता है प्रॉपर्टी में. और इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल ओनली क्या होता है?
सिर्फ इलास्टिसिटी होता है। इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल, इधर स्ट्रेस है यहां स्ट्रेन है। सो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है फॉर डक्टाइल मटेरियल, इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ये इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये हमने मान लिया इलास्टिक लिमिट, जहां लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए इसको हमने मान लिया, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और फिर यहां पे इसका होता है इलास्टिक अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट बी। ऐसे और भी पॉइंट होते हैं यहाँ पे इलास्टिक लिमिट होता है, ठीक है। सो हमें अभी उस सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि पॉइंट इसको सी मान लेते हैं। तो यहां अपर एंड पॉइंट होता है, फिर यहां लोअर एंड पॉइंट होता है। तो हम वो सब अभी नहीं दर्शा रहे हैं, हमें बताना है कि ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है, उनमें इलास्टिसिटी कितनी होती है और प्लास्टिसिटी कितनी होती है। तो ये था किस मटेरियल के लिए, फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल जहां पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट बी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और पॉइंट सी है ब्रेकिंग पॉइंट, और जिसे हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट जहां पे मटेरियल ब्रेक कर जाता है और मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये था फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब ब्रिटल मटेरियल के लिए देखते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल का कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ये रहा ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें वनली क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। ये है फॉर डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं पॉइंट ए, ठीक है। इसके जस्ट बगल में हो जाता है पॉइंट बी, पॉइंट ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, पॉइंट बी क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और पॉइंट सी जो कि फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये फॉर ब्रिटल मटेरियल, मटेरियल, ठीक है। जैसे ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कास्ट आयरन, एग्जांपल फॉर ब्रिटल मटेरियल ये क्या हो गया, कास्ट आयरन। ये ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है, कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया। ये सब क्या है, एग्जांपल फॉर ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में क्या है एग्जांपल, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल है। फिर कॉपर, एल्युमिनियम, डक्टाइल मटेरियल जो अपने शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है डक्टिलिटी के कारण, और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, शेप एंड साइज को वह चेंज नहीं कर सकता है। ये नॉर्मल भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटल मटेरियल है वह टूट जाता है, अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा सा इलास्टिसिटी देगा और वह टूट जाएगा, ठीक है। वह अपने
शेप को चेंज नहीं कर पाएगा। और इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल में अगर मटेरियल है तो उसे हम खींच के जैसे एक तार के जैसा उसको खींच सकते हैं, ठीक है, उसके जो है एलोंगेशन को बढ़ा सकते हैं इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। सो ये इसका डायग्राम है और इसमें हम अब हम देखते हैं इसमें प्लास्टिसिटी यानी कि और इलास्टिसिटी कहां तक है। ये जो हमारा जोन हो गया यहां तक, ये क्या दे रहा है, ये इलास्टिसिटी दे रहा है, ठीक है, यहां तक का जोन हमें इलास्टिसिटी दे रहा है और ये जो हो गया ये प्लास्टिसिटी। तो इस जोन को हम कहेंगे इलास्टिक जोन, ये जोन को कहेंगे इलास्टिक जोन। और ये जो जोन हो गया हमारा ये कहलाएगा प्लास्टिक जोन, ये हो गया प्लास्टिक जोन। तो देखिए कि इलास्टिक जोन किस मटेरियल में है, ओनली जो प्लास्टिक जोन हमारा क्या है, ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, और इलास्टिक जोन क्या है, ब्रिटल मटेरियल में भी है और डक्टाइल मटेरियल में भी है। ये जो हमारा जोन है ये है इलास्टिक जोन, ठीक है, ये जो मटेरियल का जोन है हमें क्या दे रहा है, इलास्टिक जोन दे रहा है, और ये जो जोन है हमारा ये है प्लास्टिक जोन, जो कि प्लास्टिक जोन हमें क्या सिर्फ डक्टाइल मटेरियल में मिल रहा है ना, ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल। और इलास्टिक जोन क्या है, ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल दोनों में। सो इसका आंसर होगा देयर इज फॉर ए ब्रिटल मटेरियल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा कि इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता है, देयर इज नो प्लास्टिक जोन, ऑप्शन ए नहीं होगा नो इलास्टिक जोन, क्योंकि इलास्टिक जोन होता है, लार्ज इलास्टिक जोन भी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, लार्ज प्लास्टिक जोन, लार्ज यानी कि यहाँ पे तो स्मॉल प्लास्टिक जोन है ही नहीं, तो लार्ज कहां से होगा, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, लेकिन उससे पहले हमें इस ऑप्शन को कंसिडर करना होगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक जोन होता ही नहीं, तो लार्ज और स्मॉल में तो हमें जाना ही नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नो प्लास्टिक जोन, देयर इज डैश फॉर अ ब्रिटल मटेरियल, सो देयर इज ए नो प्लास्टिक जोन फॉर अ ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जय हिंद।